अब भी तेरे पुंसत्व, तेरे शौर्य में सामर्थ्य है, तो उठ खड़ा हो। एक नारी तुझे ललकार रही है, निर्लज्ज पुकार अपने अहंकार को, पुकार। अद्भुत शक्ति, मैंने अपनी भुजाओं से सारे त्रिभुवन में त्राही त्राही मचा दी थी। ब्रह्मा विष्णु महेश मुझसे दृष्टि चुराते थे, परंतु तूने एक सामान्य स्त्री होकर आज मेरे दंभ, मेरे अहंकार को विदीर्ण कर दिया। मैं तेरे तेज और तेरे पराक्रम की सराहना करता हूं, परंतु मुझे कष्ट इस बात का है कि मेरे पौरुष, मेरी प्रचंड शक्ति को एक स्त्री ने शत्रु रूप में आहत किया। सच सच बता, तू स्त्री रूप में कौन है, कहां से आई है, कौन है तू? हे दिग्विजय महिषासुर, तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, तो सुन। मैं विधाता का तुझे दिया हुआ वरदान, तेरी मृत्यु हूं। मेरा अता पता तुम्हारे वरदाता ब्रह्मा ही क्या, शिव और विष्णु को भी नहीं है। मैं उन तीनों आधीश्वरों की शक्ति और सामर्थ्य से परे परम अलौकिक शक्ति हूं। मैं ही देव दानवों सभी की शक्ति ऐश्वर्य का आदि स्रोत हूं। मेरे जिस रूप और सौंदर्य को देखकर तू और तेरा दानव साम्राज्य चकित और भ्रमित हुआ। ये रूप तो मेरा एक अंश मात्र है, मैं तो समस्त रूपों का रूप, पुंज, परम ऐश्वर्य, परम विराट हूं। देख। महेश, तेरे वध का समय आ गया है, बोल मैं तेरा वध करूं या तुझे जीवन दान दूं, बोल। हे जगत माते, मैंने आपके विराट रूप को देखने का गौरव प्राप्त किया है, जिसके दर्शन पाने के लिए देव गंधर्व, ऋषि मुनि, तपस्वी दीर्घ काल तक तपस्या करते हैं, वो मुझे सहज प्राप्त है।
हे माते, आप मैं अपने मुंह अपने सौभाग्य की क्या प्रशंसा करूं? जिन चरणों तले महिषासुर पड़ा हुआ है, वे चरण तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दुर्लभ है। हे देवी, मेरे लिए इससे पढ़कर गर्व की बात और क्या हो सकती है कि समस्त भुवनों की देवी भुवनेश्वरी की उत्पत्ति मेरे निमित्त मेरे कारण हुई है। आपको मेरे कारण प्रकट होना पड़ा है, आपका अस्तित्व मेरे कारण है। हे माते, मेरा मस्तक गर्व से पहले भी ऊंचा था, परंतु आज और अधिक उन्नत हो गया है। हे देवद्रोही, मृत्यु काल में भी गर्वांकित कर रहा है। क्षमा करना माते, मैं अपने आप को देवों का अपराधी नहीं मानता। अपराधी तो ये देवता हैं, जिन्होंने सदैव छल कपट कर हम असुरों को ठगा है। परंतु फिर भी ये सारे देवता यज्ञ भाग के अधिकारी हैं और हम असुर लांछन और अपमान के भोगी। ऐसी वंचना क्यों है माते, क्यों? महेश, जो पथ भ्रष्ट और शापित होते हैं वही असुर कुल में जन्म लेते हैं, और जो पुण्य भोग का वरदान प्राप्त करते हैं वो देव कुल में स्वर्ग लोक में जन्म लेते हैं। इसीलिए अपनी ईर्ष्या और आत्म प्रवचनों को शांत करो, तुम्हारे श्राप की अंतिम घड़ी आ चुकी है, मैं तेरा वध करूंगी, सावधान। हे माते, आप निसंदेह मुझे मारिए। मैंने जीवन भर शक्ति की ही उपासना की है, जीवन का यश मैंने अपनी संकल्प शक्ति से ही प्राप्त किया है, और आज मरण का यश भी मुझे अपनी संकल्प शक्ति से ही मिलेगा। मुझ शक्ति आराधक का वध जगत की आदि परम शक्ति के हाथों होगा, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। हे माते, आप मुझे शीघ्र मारे, आपके हाथों मरकर मैं मोक्ष का अधिकारी बन जाऊंगा। हे देवी, कृपया मेरा वध करें। हे महेश, मृत्यु से पूर्व तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो वर मांग ले। हे माते, अंतिम इच्छा तो वधशाला का वधिक भी राज आज्ञा से पूर्ण करता है। फिर आप तो भगवती जगत जननी है, परंतु अंत काल में जब मेरे मोक्ष के द्वार उद्घाटित हो चुके हैं तो कुछ मांगकर मैं ओझा नहीं बनना चाहता। कृपया मेरा वध कर आप अपने अवतार का कार्य सिद्ध करें। हे संकल्प जयवीर, तू अजर अमर होने की अभिलाषा लेकर ही ब्रह्मा जी के पास गया था ना, तो जा, मैं तेरे अमरत्व के वरदान को पूर्ण करती हूं। अतः मेरे हाथों मरकर अनादिकाल तक मेरे नाम के साथ तेरा नाम भी गाया जाता रहेगा, जब तक ये पृथ्वी सूर्य चंद्र नक्षत्र मंडल चराचर ब्रह्मांड विद्यमान रहेंगे, तू सदा सर्वदा अमर रहेगा। हे परमवीर, आज से मेरे नाम के पूर्व तेरा नाम लिया जाएगा, अर्थात मैं तेरा वध करके महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात होंगी। मेरी प्रतिमा में
मेरे चरणों तले तेरा स्थान होगा, तू मेरे साथ पूज्य होगा, पूज्य। मैं धन्य हुआ माते, जय जय महाशक्ति भगवती। अब मैं शांति से निर्विकार होकर प्राण विसर्जन करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.